नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। पुलिस लाइन में एडीजी अविनाश चंद्र ने वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया। इस दौरान एडीजी ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ विदेश चले जाते हैं और वह घर में अकेले रह जाते हैं। उनको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज के साथ साथ पुलिस विभाग के कर्मचारियों की भी रहती है। एडीजी ने पुलिसकर्मियों को उनकी जिम्मेदारी भी समझाई। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि पुलिसकर्मी कहीं कहीं भगवान बनकर जनता की सेवा भी करते हैं। इस अवसर पर डीआईजी राजेश पांडे, एसपी क्राइम रमेश भारतीय, एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद गंगवार उपस्थित थे। इंडिया खबर लाइव के लिए बरेली से जावेद सईद खान के साथ रियाज अहमद की रिपोर्ट। हमारे यहाँ रिक्रूट कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग चल रही है और बरेली पुलिस लाइन्स में 238 महिला रिक्रूट कांस्टेबल्स यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं। जून से ट्रेनिंग कर रहे हैं कि ट्रेनिंग दिसंबर तक चलेगी। तो इनको मोटिवेट करने के लिए इनके क्या क्या दायित्व हैं, उसका निर्वहन कैसे करें और अपने जीवन को आगे कैसे कंडक्ट करें, उसके बारे में डिटेल में इनको बताया गया। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है सभी को इसमें लाभ होगा। करीब 550 पुलिसकर्मी, 238 हमारी रिक्रूट कांस्टेबल्स थी, इनके ट्रेनर्स थे, इनके उस्ताद थे और हमारे थानों से, रेंज कार्यालय से, जोनल कार्यालय से, एसएसपी पुलिस ऑफिस से सारे लोग यहाँ पे थे और एक सम्मेलन हुआ, इनकी समस्याएँ भी सुनी गई और एसएसपी साहब ने, डीआई साहब ने और हमने इनको डिटेल में चीज़ें बताई। सर, आगामी समय में भी इस टाइप के कार्यक्रम होते रहेंगे? हाँ, डेफिनेटली होते रहेंगे। हम लोग पूरा पुलिस परिवार के रूप में हैं और हम लोग एक दूसरे से स्ट्रेंथ पाते हैं। हम भी कांस्टेबल से उसके अच्छे काम से स्ट्रेंथ पाते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और मिलजुल करके काम करेंगे तो एक बेहतर समाज सेवा हम कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, राज्य की सेवा कर सकते हैं।